बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिसाल खान है। मैं पेशावर मॉडल स्कूल चरसदा ब्रांच में इस्लामियात का टीचर हूँ। आज हम जो हमारा जो पहला मौजू है, आज हम फहरिस्त असबाक के बारे में बताएंगे। 8 क्लास के कोर्स में जो असबाक शामिल की गई हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आप लोग अपने लिए जो इस्लामियात बराए जुमात नहम व दम है, इसको ख़रीद ली। हम इंशाल्लाह इनसे पढ़ेंगे। आज जो हमारा मौजू है, जो हमारा उन्वान है, वो फहरिस्त असबाक है। 8 क्लास के कोर्स में जो शामिल की गई है, सबसे पहले जो सूरत अनफाल है, सूरत अनफाल के पहले दो दर्स शामिल की गई है। सबसे पहले दरसुल अव्वल अलिफ, किताब सफ़ा नंबर 1 पे जो है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो शामिल की गई है, शामिल निसाब है, वो दरसुल अव्वल बी, किताब सफ़ा नंबर 4 पे है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अहादीसी मुबारका, असबाक के अलावा इन दो दरसों के अलावा जो हम पढ़ेंगे वो अहादीसी मुबारका जो शामिल की गई है। तो वो पहले तीन अहादीसी मुबारका हम पढ़ेंगे, हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 2, हदीस नंबर 3, जो किताब सफ़ा नंबर 27 में है। इस अहादीस के अलावा और दर्स के अलावा हम जो पढ़ेंगे, जो शामिल निसाब है, जो कोर्स में शामिल की गई है, वो है सबक। और वो सबक कुरान मजीद तआरुफ़ हिफाजत फ़ज़ाइल के बारे में हम पढ़ेंगे। कुरान मजीद का मुख्तसर तआरुफ़ करेंगे। फिर इसके बाद कुरान मजीद की हिफाजत मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ दौर में किस तरह हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो कुरान मजीद की फ़ज़ाइल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो की गई है।